हेलो सर, कैसे हैं आप सब फ्रेंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक, आप चेक करना चाहते हैं कि आपका जो जीमेल अकाउंट है वो किस किस जगह पे लॉगिन, या फिर आप किसी जगह लॉगिन करके भूल गए उसको, आप वहाँ से साइन आउट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। हमारा आज का ये टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सब बहन भाई दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आने वाली है आप तक पहुँच सकें। चलते हैं टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपने आपने आना है यहाँ पर आपने जी मेल में, ठीक है। इस सबसे पहले मैं आपको इसका फ़ायदा बता देता हूँ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप ये काम करते हैं, आपने कहीं भी आपने इसको लॉग इन किया हुआ है, ठीक है, तो आप जब इधर जी मेल में आते हैं और आप अपने फ़ोन से इसको, आप अगर वहाँ पर जी मेल को लॉग इन करके भूल जाते हैं या फिर आप किसी दूसरी जगह चले जाते हैं तो आप अपने फ़ोन से उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो इसी सेम तरीके से आपने करना है। आपने क्या करना है, आपने जीमेल को इस तरह से ओपन करना है, ठीक है। ओपन करेंगे यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगा। ऊपर आपने जो आपकी प्रोफाइल होगी सिंपली उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आपने मैनेजर गूगल अकाउंट पर सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है सिक्योरिटी का, इस पर आपने आ जाना, ठीक है। इस तरफ स्क्रॉल करके सिक्योरिटी पर आपने क्लिक करना, ठीक है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देता है। आपने इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा योर डिवाइसेस, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एक फ़ोन का शो कर रहा है और बाकी थ्री सेशन जो है विंडो कंप्यूटर, मेरा तीन जगह जो है विंडो कंप्यूटर में मेरा ये जो जी मेल है लॉग इन है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है मैनेज ऑल डिवाइसेज, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो है साइन आउट जो होगा वो इस तरह से दिखाई देगा। बाकी जो साइन आउट नहीं होंगे उनके साथ ही इस तरह से ऑप्शन होगा, आपने सिंपली उस पर क्लिक करना, ठीक है। मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो इस तरह से मुझे दिखाई देगा विंडो का, ठीक है। मैं यहाँ से साइन आउट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर साइन आउट पर आपने सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फिर से पूछा जाएगा, आपने साइन आउट पर क्लिक करना है, ओके करना है। ओके करेंगे उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा, ठीक है। उस जगह से ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ पर दो ब्राउजर जो है मेरे साइन आउट हो गए, यहाँ पे मैं आप थर्ड पे करता हूँ, ठीक है। इस पे भी सेम मैं वैसे ही करता हूँ, साइन आउट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे साइन आउट करता हूँ, ओके करता हूँ यहाँ पे और बैक होता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसके बाद आप मेरे सिर्फ फ़ोन में शो हो रहा है, ये देख सकते हैं एंड्रॉइड का जो फ़ोन है जिसमें अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ इसमें मेरा जो है लॉग इन शो कर रहा है, बाकी जितनी भी जगह थी उनसे साइन आउट हो गया है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो जी मेल अकाउंट है वो किस किस जगह पर लॉग इन है। यहाँ पर ये देख सकते हैं ब्राउजर शो करता है, इस तरह से चेक कर सकते हैं, या फ़ोन होगा तो फ़ोन का दिखाएगा कि इस कंपनी का जो है फ़ोन उसमें आपका जो जीमेल है लॉगिन है। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप उसको साइन आउट करना चाहते हैं तो साइन आउट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आखिर पे मैं सब बहन भाई दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आने वाली आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।